संजना ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मेरा पहला दिन है और पहला ब्लॉग से, इसलिए हम लोग मीठे से शुरुआत करते हैं। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना के मनाइए। और आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक कटोरी सूजी लेनी है और स्वाद अनुसार, वैसे स्वाद तो अपना अपना होता है, लेकिन ये इसके एक कटोरी समथिंग चीनी, थोड़े ड्राई फ्रूट और पानी। पानी हमने ले लिया है दो ग्लास, दो ढाई ग्लास, जितना चाहिएगा उतना ले लेंगे। और अब पानी गर्म के लिए रखते हैं और गैस ऑन कर लिए और दही चाट लिए। इसके अंदर डालेंगे हम घी। जितनी सूजी है उसके हिसाब से घी डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके और डाल देंगे, घी गर्म होने तक छोड़ें। सूजी को अच्छे से छालनी से साफ कर लिया है, तो हम इसके अंदर सूजी डालेंगे, एक कटोरी सूजी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए इसको हिलाते रहिए। ये देखिए दोस्तों, सूजी को सीखते हुए 5 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हुआ है और ये हल्का सा ब्राउन हो रहा है और घी भी, सूजी घी छोड़ रही है। और इधर हमारा पानी भी गर्म हो गया है, तो इसका गैस ऑफ कर देंगे हम और अब धीरे धीरे इसके अंदर पानी डालेंगे। देखो तो पानी डालना सूजी आ जाए, अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम धीरे धीरे इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी को एकदम नहीं डालना है, धीरे धीरे से डालना ताकि इसके अंदर गांठें ना पड़े। गरम पानी है, आराम से। जैसे पानी सोख लेता है फिर इसके अंदर और डालेंगे। इससे क्या है, सूजी फूलती है और पानी सोख लेती है और इसके अंदर गांठें भी नहीं पड़ती और एकदम खुला खुला सा हलवा बनके तैयार होता है। ये हमने पानी पूरा डाल लिया है, अब धीरे धीरे से इसको और हिला के सेकेंगे। ये देखिए दोस्तों, एकदम पानी सोख लिया है सूजी ने और एकदम पानी सोखने के बाद हमें चीनी डालनी है, जिससे क्या है कि हलवा ज़्यादा गीला ना हो और इसकी जो अच्छी क्वालिटी आए और अच्छा कलर आए। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिए, ये देखिए एकदम घुल गई है और हलवा भी थोड़ा सा गीला हुआ है, पहले टाइट था। अब बची हुई चीनी वो डालेंगे इसके अंदर। हिलाते रहना, चिपक ना जाए। खुशबू भी एकदम खुशबू अच्छी आ रही है। ये जब तक मिक्स हो रहा है तब तक हम इलायची कूटेंगे। इलायची के दो इलायची लेंगे। ये लीजिए इलायची तैयार हो गई, तैयार हो गई है। और हमारा हलवा भी एकदम तैयार है। अंदर इलायची ऐड करेंगे, इलायची के छिलके ऐड नहीं करने हैं इसके अंदर। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये जो ड्राई फ्रूट है
ये हम डालेंगे, ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया। ये हम पैन बंद करेंगे और हमारे कान्हा जी के लिए भोग लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आपका प्यार हमारे साथ ऐसे बनाए रखें। धन्यवाद।